ये है दिल्ली दर्पण। वैसे तो सावन में सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताएंगे जो बहुत खास है। यह शिवालय उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में यमुना नदी के किनारे स्थित देवकली मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से शिव भक्त पूजा अर्चन, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करने के साथ ही कांवर चढ़ाने के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त देवकली मंदिर आकर भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से मनोकामना करता है वो जरूर पूरी होती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्य भी है जिनके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग जो हर वर्ष जो के बराबर बढ़ता है, साथ ही शिवलिंग पर चढ़ने वाला लाखों लीटर जलाभिषेक का जल कहां जाता है इसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। आपको बता दें कि औरैया के यमुना नदी किनारे स्थित देवकली मंदिर पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देर रात्रि से ही जुटनी शुरू हो गई, जो सुबह 4 बजे से पहले मंदिर के बाहर शिव भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। जैसे ही सुबह मंदिर के कपाट खुले, मंदिर बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मंदिर सहित मंदिर की ओर से जाने वाले रास्ते पर जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए। इसके साथ ही मंदिर में अंदर व बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ ही महिला पुलिस को भी लाया गया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर